ये क्या किया है? आज मेरी है अलियाना की। ओह नो, ये क्या हो गया? सारा रंग लग गया कपड़ों पर। तुम्हें बुलाया किसने? किसने कहा था तुम्हें इसमें घुसने के लिए? भाई ये मुझसे हो गया था। वो तो बहुत अच्छी पैकिंग कर रही थी अलियाना बाजी की। भाई इसी कहाँ है? वो बाजी मुझसे ना आपकी आपके बरी के कपड़ों पर रंग गिर गया था, तो भाई को लगा कि एजल बाजी से गिरा है, तो भाई ने उनको डांटा और वो चली गई। क्या भाई सिर्फ इतनी सी बात पे जाए, उसे लेकर आए? तो क्यों आए हो? आई एम सॉरी। देखो मैं अपनी बहन के बारे में बहुत प्रोसेसिव हूँ, और अब वैसे भी उसकी रुखसती होने वाली है। सॉरी यार, चलो अंदर प्लीज। मुझे नहीं जाना। देखो अगर तुम नहीं चली तो फिर मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। चल रही हो या उठा के लेके जाऊं? भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे खानदान में एक बछड़ा आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो भैया। खैर मुबारक करीब। एजल ले आओ अलियाना को। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया। अच्छा वो जाने की रुख्सती हो जाए तो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। भाई अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी रयान, ख्याल रखना मेरी बहन का। हाँ हाँ क्यों नहीं, डोंट वरी अरीब। भाई अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। क्या हालत हो गई है इसकी? अलियाना बहुत तकी है कि उसे इतना चाहने वाला भाई मिला है। फैजल तुम्हारा घर आ गया। तुमने खाना खाया? नहीं, दिल नहीं कर रहा था मेरा। देखो उदास मत हो। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। और देखिए कि तो अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है। हमारे प्यारे नबी ने भी तो अपनी जान से प्यारी बेटी को रुखसत किया था ना। तुम ठीक कह रहे हो सर, लेकिन देखो लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम अलियाना से प्यार करते हो तो खाना खा लो,
उसे इतना चाहने वाला शोहर मिला है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि रायान भी उसे तुम्हारी तरह चाहता है। थैंक यू सो मच हेजल, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखो उदास मत हो, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। और देखिए तो अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। हमारे प्यारे नबी ने भी तो अपनी जान से प्यारी बेटी को रुखसत किया था ना। हाँ वैसे है तो नहीं है असल में। One month later. अरे आओ आओ आसिफ, बैठो। मैं आली के लिए चाय बना रहा था, तुम पियोगे? ऑफ कोर्स यार। भाई कैसे है आसिफ? आजकल थोड़ा अजीब हो गया, घर पे नहीं रहता, काम में दिल लगाने की कोशिश करता है। चाय हाजिर है। वैसे क्या हुआ अरीब को? उसे आइजल से मोहब्बत हो गई है। क्या वाकई? वाकई? हाँ लेकिन इजहार करने से डर रहा है, बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा, बताएगा नहीं, अल्लाह ना करे उसकी कहीं और शादी हो जाएगी। हेलो एजिल, कैसी हो? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? मैं भी ठीक। अच्छा ये बताओ स्टडीज कैसी जा रही है? गुड, अब तो पेपर्स होने वाले हैं। खैर तुम बताओ कैसे फोन किया? एजल वो ना। क्या वो? खुल के कहो ना। एजल भाई तुम्हें पसंद करने लगे हैं। या वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है? मगर वो खुद क्यों नहीं आया? तुम्हें सिफारिश करने के लिए क्यों भेज दिया? हाँ मैं उनसे भी कहलवा दूंगी। वैसे अभी रायान जा रहे हैं काम से इस्लामाबाद, मैं कल जाऊंगी तो बात करूंगी भाई से। हाँ जब वो खुद आएगा तो देखा जाएगा। अरे रायान और आलियाना तुम दोनों? हाँ मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझे बुलाया है इस्लामाबाद ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के बाद वापस आ जाऊँगा। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, तो ऑफिस यहीं पर है? हाँ ऑफिस तो यहीं है लेकिन हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, इसलिए मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। अभी 10 o'clock की फ्लाइट है मेरी। अरे बहुत बहुत मुबारक हो रायान, लतना कामयाब करे। आमीन। भाई एक बात कहूँ? हाँ बोलो गुड़िया, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। भाई जब आप इजिल को पसंद करने लगे तो उसे बोल क्यों नहीं देते? इसको कैसे पता चल गया? अरे नहीं नहीं गुड़िया ऐसी बात नहीं है, तुम्हें किसने कहा? मुझे आसिफ ने बताया है। इस आसिफ की तो ऐसी की तैसी, अलाना क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि उसका भाई उसके दोस्त से मोहब्बत करने लगा और इजहार करने से डर रहा है। भाई क्या सोच रहे हैं?
कुछ नहीं भाई, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। और अब जब शादी करनी ही है तो एजल से क्यों नहीं? हाँ कह तो ठीक है, है। ओके मैं बात करूंगा उससे, भला मैं अपनी बहन की बात कैसे डाल सकता हूँ। थैंक यू भाई। आसिफ के बच्चे तेरी ऐसी कितने अलैन को सब कुछ बता दिया, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? हम तेरा भला ही चाहते थे इसलिए कह रहे थे, ये सुन के रेहान भी बहुत खुश हुआ था। क्या रेहान को भी पता है? खैर एजल का है, मुझे बात करनी है उससे। अब कोई फायदा नहीं है बात करने का। क्या मतलब? मतलब यू आर लेट, शादी तो हो गई है उसकी। व्हाट? हेलो, नीचे आओ मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। क्यों? नीचे आ रही हो या तुम्हें ऊपर आके उठा के लेके जाऊं? रहते हुआ के जो तुम पास मेरे थम जाए पल ये वही बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम चलती है साथ पहले से ज्यादा। एक बात करनी है तुमसे। अच्छा बोलो भी, अब क्या बात करनी है? एजल तुम अच्छी लगने लगी हो मुझे, विल यू मैरी मी? क्या जवाब तुम? यस। तुम लोग? रयान तुम कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। गाइस सब छोड़ो, मेरा आइडिया कैसा था एजल की शादी का? झूठ। हाय मेरा प्यारा भाई एजल, अब हाँ कर दो। हाँ अब हाँ कर दो, वैसे भी तो तुम्हारे पैरों में आ गया है। आसिफ मैं देख लूंगा तुझे, एजल हाँ कर दो प्लीज। मुझे मंजूर है। यस। हेलो, तुम अरीब के पास हो? हाँ शॉपिंग करनी है ना, वैसे भी बहुत कम टाइम रह गया। ओह नो, लाइट चली गई। कौन है? कौन है? आलियाना, तुमने किसको डंडा मारा? पता नहीं, भाई को फोन करती हूँ। हेलो भाई। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। हेजल अब क्या होगा, वो इस तरह गोद के क्यों आया, गेट से क्यों नहीं आया? परेशान मत हो, अरे पता करने गया है ना। क्या हुआ? उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, उसे सब याद है लेकिन वो आलियाना को भूल गया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये तो डंडा मारने से पहले सोचना चाहिए था, भला अपने शोर को भी मार दिया तुमने। गलती हो गई, मैं रयान को याद दिलाऊंगी कि मैं आलियाना हूँ उनकी बीवी। ये कहा, ये भी अभी होना था, हमारी शादी है 2 हफ्ते बाद। भाई आपको अपनी शादी की पड़ी है, यहाँ मेरा शौहर मुझे भूल गया है, मैं क्या करूँ? एक काम हो सकता है। क्या? उसे एक और डंडा मारो, हो सकता है यादाश्त वापस आ जाए। भाई रयान, रयान कैसे हैं आप? अरे कौन है ये खातून? मैं आपकी बीवी हूँ आलियाना। क्या मेरी बीवी? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और मेरी अभी उम्र ही क्या है? 95 के करीब करीब।
तुम तंग कर रहे हो मुझे, मुझे मम्मा के पास जाना है और मेरी फीडर कहाँ है, मुझे भूख लग गया है। लो, मैं तो बच्चा बन गया। भाई कुछ करें प्लीज। मेरा दिल कर रहा है इसके सिर पे एक और डंडा मारूं। खबरदार जो मेरे रयान को हाथ लगाया तो। तुम एक काम करो, उसकी मामा बन जाओ। आसिफ, आखिर कब आपने रिश्ता भेजना है मेरे घर? रिश्ता कब भेजना है? आसिफ अकाउंट खोल रहा है। वैनिशा, मैं जल्द भेजूंगा। अच्छा तो तू यहाँ बिजी है इतने दिनों से। अच्छा तो मिस मनीषा, आपको मोहब्बत हो गई आसिफ से? अरीब रुक जा। अच्छा बात करने दे मुझे। हाँ एट ऑल। फिर तो आप हर वो चीज़ अपना लेंगी जो आसिफ को पसंद होगी, है ना? अरीब क्या कर रहा है? ऑफ कोर्स। तो फिर सुन लीजिए, इसको सबसे ज्यादा मैं पसंद। क्या? ओए अरीब के बच्चे तेरी। ऐसा लेसा 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 ऐसे मुझे छुपा लो प्लीज। अरीब छोड़ो मुझे, क्यों छुप रहे हो तुम? क्या किया है तुमने? एजल तुम हट जाओ, डरपोक 12 वर्ष के पीछे से। क्या किया है तुमने? मैं बताता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड से कह रहा है उससे सबसे ज्यादा मैं पसंद हूँ, मुझे अपना लो। क्या? अब मुझसे बात मत करना, जा रही हूँ मैं। अरे एजल मेरी बात सुनो, रुको रुको। बात मत करना, से मैं तो मरा जा रहा हूँ ना बात करने के लिए। हेलो एजल, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हुआ, उसे क्यों आ रहे? तुम्हारा भाई इंतहाई किस्म का फ्लैटबाज। बताओ तो सही। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। तो एक काम करते हैं, भाई को डंडे से मारते हैं, मैं गिराऊंगी और तुम मार लो। ओ अच्छा, तो ये लोग अरीब को मारने का प्लान बना रही हैं। अरीब अरीब एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या हुआ बोलो। वो एक औरत है ना जो यहाँ रहती है, वो अपने दोस्त के साथ मिलकर तुम्हें डंडे से मारने का प्लान बना रही है। अच्छा तो इस नशड़ी ने बुढ़िया को भी अपने साथ मिला लिया, तुम मेरा साथ दोगे? एट ऑल एट ऑल। भाई मुझे आपसे बात करनी है। दालों का छकाला लग रहा है। हाँ बोलो बुढ़िया। भाई शॉपिंग पर कब चलना है? बाद में जाएंगे, मुझे अभी भागना है। एसल मारू, लाओ मुझे दो। ये लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अरीब। आलियाना ये तुमने क्या किया? रयान रयान उठो। मुझे मारने चले थे गुड़िया, हमने नुकसान कर लिया। आली क्या हुआ, रो क्यों रही हो? यस। रायान तुम उस दिन दरवाजे से क्यों नहीं आए थे, विंडो से क्यों आए थे? पहले मैंने डोर नॉक किया लेकिन शायद तुम बिजी थी, तुमने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने फोन किया, फोन भी तुम्हारा बिजी जा रहा था और लाइट नहीं थी, डोरबेल तो नहीं बजा सकता था, तो इसलिए मुझे खिड़की से कूद कर ही आना पड़ा। I'm sorry रयान, I'm really sorry। आओ सामने बोलो दे दो।
बेटा बीवी अगर खूबसूरत हो तो कभी उसके सामने उसकी तारीफ मत करना, सर पे चढ़ जाएगी। फैसल बहुत खूबसूरत लग रही हो तो मैं बताऊं या नहीं? नहीं, अगर सर पे चढ़ गई तो? कमरे तक ढंग से नहीं सजाया मेरे आने की खुशी में। क्या ऐसी खुशी नहीं है मेरे आने की? बोल तो ऐसे थे जैसे परिस्तान से आ गया। हद होती है यार, औरतें कितनी नाशुक्री होती हैं। कितना अच्छा सजाया मैंने, अभी इतनी अच्छी लग रही थी और अब कैचअप लग रही है मुझे इस लाल ड्रेस के अंदर। एजल तुम चेंज कर लो। क्यों, कैचअप लग रही हूँ मैं? इसको कैसे पता चल गया? जा रही हूँ मैं। हेजल बेबी बैठो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी तुमसे। शुक्र है एक कोई तो रोमांटिक वर्ड बोला। हाँ बोलो। देखो फजूल खर्ची पसंद नहीं है मुझे, इसलिए महीने में सिर्फ एक दफा शॉपिंग होगी, और जब रोजाना मैं ऑफिस से वापस आऊँ तो तुम मुझे तैयार मिलो, मासियों वाले होलियों में ना मिलो। ये बातें करने के लिए तुम लाए थे मुझे? ये बातें तो तुम गए की मासी से भी कर सकती थे ना। भाड़ में जाओ। तौबा है कितनी लंबी सभा है इसकी, तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। One month later. मुझे एक जरूरी बात कहनी है तुमसे। हाँ बोलो। मुझे बिन्नी पहनने का बहुत शौक है, मुझे एक बिन्नी ला दो तुम। क्या, हरगिज़ नहीं, इस घर में बिल्ली हरगिज भी नहीं आ सकती, उसे बिल्ली से सख्त चिढ़ है। तुम दफा हो जाओ मुझसे, मुझसे शादी क्यों की जब एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते तुम मेरी। हेजल तमीज से बहुत हो गया, तुम्हारी जबान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसे लगाम दो। मुझसे बात मत करना तो। हाँ बेहतर है कि पहले तमीज सीख लो फिर बात करना। वाओ आलियाना, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। हाँ तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अरे दही ले आओ। अरे अब तुम किसको मैसेज कर रहे हो? नहीं यार कुछ नहीं। अरे मेहमान आए हुए हैं, इनके सामने शो मत करना कि हमारा झगड़ा हुआ है, बात करो मुझसे। यार हम लोग आए हैं और आप लोग मोबाइल में लगे हुए हैं। अच्छा यार सॉरी। ऐसे बेबी तुम खाना लगाओ, मैं दही लेके आता हूँ। छोड़ यार दही रहने दे, हम खा लेते हैं। हाँ पर मेरी बेगम तो खाएंगी ना, तो मैं लेके आता हूँ। कैसे आप? मैं ठीक, तुम बताओ? मैं भी ठीक भाई। कल बहुत मजा आया, आप यकीन करें कल पहली बार दावत हुई। एजल के हाथ का खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी तरह मैनेज किया उसने। हाँ यार वाकई में बहुत अच्छी है, जबान की तेज है मगर दिल की बहुत अच्छी है। उसने वाकई में मेरी बहन के लिए खाना बनाया, हमारी लड़ाई होते हुए भी, और रोजाना मुझे नाश्ता भी देती है। हेजल, 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 हेजल बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों तुम्हें क्या लगा मैं छोड़कर चली गई तुम्हें? मैं डर गया था, जान निकल गई थी मेरी। इसका मतलब ये है कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। हाँ अली का फोन आया था, बहुत तारीफें करी थी तुम्हारी। थैंक यू सो मच हेजल बेबी, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हारे इस बिहेवियर ने मेरे दिल में तुम्हारी कदर और बढ़ाती है। पता है यार हम प्यार से भी तो रह सकते हैं।
जब से शादी हुई है मुसलसल तू तो मैं ही चल रही है। हाँ तो तुम प्यार करते कब हो मुझसे? कभी तुमने मुझे सर पे बिठाया है? इज़ल बेबी तुम मेरी बीवी हो, मेरे दिल में बहुत जगह है तुम्हारी, बहुत कदर है। मैं तुम्हें सर पे नहीं बिठाऊंगा तो मैं किसको बिठाऊंगा? सच में? हाँ मेरी जान। I'm sorry, वो मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की थी ना, आइंदा से मैं आपको आप बोलूंगी। अच्छा आलिया ने बता रही थी कि आपको बिल्ली से डर लगता है, आपने बताया नहीं? हाँ जब मैं छोटा था ना मुझे तब से डर लगता है। अच्छा सी साइड चलें? हाँ चलें। इजी जी आप खुश हो? शादी के बाद फर्स्ट टाइम बाहर आए, कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अरू। अच्छा सुधी आज खाना बाहर खाता है। ओके बेगम। यू आर लिसनिंग ऑडियो टेलीफिल्म नेम एज तू तू मैं। द स्टार कास्ट ऑफ दिस टेलीफिल्म आर सुमैया कासिर एज एजिल, अरीब अहमद एज अरीब, अरहम जावेद एज रायान, एंड द अदर कास्ट ऑफ दिस टेलीफिल्म आर सोनिया फारूक, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद हफीज जावेद, जमीर हैदर, अक्सा शेख, अरीबा शहजाद, नीलम हुसैन।